नमस्कार, डीपीके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। गहलोत सरकार की पेयजल, उपभोक्ताओं को राहत, बढ़ाई बकाया, एक मुश्त बिल जमा करवाने की तारीख। बस्ती में सड़क किनारे मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। जोधपुर से आसाराम भक्त गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में पहुंचे सेंट्रल जेल, पुलिस ने भक्तों को जेल की मुख्य द्वार से किया दूर। और खबरें विस्तार से। गहलोत सरकार ने एक बार फिर से पानी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पानी के बकाया बिलों की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज और पेनल्टी शुल्क की छूट की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी। जिन उपभोक्ताओं ने अब तक पानी के बिल जमा नहीं करवाए, वो इस छूट का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक पूरा बिल एक साथ जमा करवा सकते हैं। इससे पहले भी सरकार ने छूट की तारीख बढ़ाई थी। जलदाय विभाग ने प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया पानी के बिल की राशि एक मुश्त जमा करवाने पर छूट दी थी। गौरतलब है, इससे पहले भी ब्याज और पेनल्टी में छूट की अवधि 30 जून तक थी। सरकार के इस फैसले से लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, क्योंकि अभी भी बहुत से उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने बिल जमा नहीं करवाए। बस्ती से खबर, जहां तुंगा थाना इलाके के भटेरी गांव में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। शव मिलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची तुंगा थाना पुलिस ने घटना की जानकारी ली, घटनास्थल का मौका मुआयना किया। मृतक की पहचान बास्को निवासी राम अवतार प्रजापत के रूप में हुई। प्रथम दृष्टया इस सड़क दुर्घटना में राम अवतार प्रजापत की मौत होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार भटेरी गांव में सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला। यहां से गुजर रहे ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। शव मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना पर तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी। श्री गंगानगर के नई मंडी गड़साना में सखी मार्ग स्थित रोहिणी पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की ओर से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने अपने अध्यापक अध्यापिकाओं के लिए फूलों के गुलदस्ते, पोस्टर कार्ड और छोटी छोटी वीडियो बनाई। विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों से आशीर्वाद लिया। विद्यार्थियों ने कहा कि गुरु विद्यार्थियों को दुनिया में चलना और आगे बढ़ना सिखाते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में गुरु का विशेष महत्व होता है। सर, ऐसा है कि समाज में अगर कोई अहम भूमिका अदा करता है तो वो एक शिक्षक होता है। मैं जब बात आती है गुरु की तो हम सोचते हैं कि टीचर, नहीं, एक होता है स्पिरिचुअल टीचर। गुरु वो है जो अपने आप को गुरु कहलाने का अधिकारी समझे। कहा भी गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और ब्रह्मा का स्वरूप जो है वो गुरु को माना गया है। ये भी कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जी आपने गोविंद दियो बताए। तो सबसे ऊंचा जो दर्जा है वो गुरु को दिया गया। आज का एक्चुअली ये जो प्रोग्राम था ये बच्चों के लिए भी था और ये मान लीजिए कि मेरे लिए भी था। मेरे लिए भी बहुत अहम है क्योंकि मैं जिन स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे जिन टीचर्स ने गाइड किया, अगर मैं अपने गुरु का सम्मान करूंगा तो बच्चे भी अपने गुरु का सम्मान करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, गुरु अपने आप को आचरण में इस तरह से ढाले, उसके सामने अपने आप को एक ऐसी मिसाल में पेश करे कि बच्चा उसको एग्जाम्पल के रूप में ले, वो मॉर्निंग मेमोरेबल होना चाहिए। और आजकल इस तरह के गुरुओं की कमी होती जा रही है, इसी वजह से शायद इस तरह की शिकायतें आती है कि पेरेंट बच्चों पर जो टीचर्स पर हावी हो जाते हैं, या कई बार बच्चे अपने टीचर्स का कहना नहीं मानते। उसका कारण यह है कि वो अपने आप को पेश ही वैसे ही करते हैं, उनमें वो फॉर्मैलिटी नहीं रही, वो कुछ एक औपचारिकताएं होती हैं जो गुरु को निभानी जरूरी होती है, वो शायद नहीं रही। ये जो प्रोग्राम था इसका लक्ष्य था बच्चों को गुरु के प्रति उनको आदर की भावना विकसित करने का, साथ ही साथ उनको यह बताने का कि पहले जो गुरु है बच्चों के वो उनके माँ बाप है, क्योंकि स्कूल वाले तो बाद में आते हैं। तो बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और गुरु जो उन्हें सन्मार्ग की तरफ लेके जा रहा है उसकी भी आज्ञा का उन्हें पालन करना चाहिए।
जोधपुर से खबर जहां नाबालिग के साथ यौन शोषण के मामले में जेल में बंद आसाराम के भक्त भी गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंचे। गुरु पूर्णिमा के चलते सभी लोग अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। इस बीच जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर भी बड़ी संख्या में आसाराम के भक्त पहुंचे और आसाराम के दर्शन के लिए जेल के बाहर खड़े रहे। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसाराम के भक्तों को जेल के मुख्य द्वार से दूर ले गए और जेल के तराहे के पास खड़ा किया। जब बड़ी संख्या में आसाराम के भक्त आसाराम का इंतजार करते नजर आए, आपको बताते चलें कि हर गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में आसाराम के भक्तों पर आसाराम के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे। आज भी इसी के चलते बड़ी संख्या में भक्त जोधपुर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के पुलिस लाइन जौनपुर में आयोजित रिक्रूट आरक्षणियों के दीक्षांत परेड समारोह पर मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी और परिक्षेत्र वाराणसी के सत्यनारायण द्वारा परेड की सलामी ली गई। परेड का निरीक्षण किया गया, वहीं आरक्षियों की पुरस्कार वितरित कर शपथ दिलाई व उनके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की गई। आज जो है जो सभी आरटीसी रिक्रूट्स का इनका दीक्षांत परेड समारोह में जौनपुर पुलिस लाइन में मैं आया हूँ। इनका परेड बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर परेड रहा और सिपाहियों का प्रशिक्षण में भी मैं दो बार बीच में आया था और सिपाहियों से भी बात किया था, सिपाहियों से बात किया और प्रशिक्षण अच्छा चल रहा था उस समय। तो यहाँ जो है इवन फिजिकल फिटनेस का भी जो ओपन जिम भी लगा दिया गया कप्तान साहब के द्वारा, तो काफ़ी इनका प्रशिक्षण पर जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहुत अच्छा ध्यान दिया गया। और मेरे द्वारा इन सिपाहियों को भी यही मैंने कहा था, आपका जो है ये दक्षता जो कॉम्पिटेंसी है आप और बढ़ाएं और जब क्षेत्र में आप जाएंगे फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के बारे में और जानकारी करें, फायरिंग और प्रैक्टिस करते रहें और फिजिकल फिटनेस को और बढ़ाएं। तो इस प्रकार की इनको जो है मैं पहले भी एक निर्देश दिया था, यह इनको यही संदेश मेरा दिया। वहीं कादरगंज में पटियाली के गंगा घाट पर गुरु पूर्णिमा वाले दिन गंगा में स्नान करते वक्त पैर पर चलने के कारण 22 वर्षीय युवक डूब गया। वहीं आपको बता दें कलश विसर्जन के दौरान गंगा में पैर फिसलने से एक युवक डूबा। धनाकर गांव के कादरगंज गंगा घाट पर कलश विसर्जन करने गया था युवक, प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर युवक को ढूंढने में जुटा। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पटियाली तहसील के धनाकर गांव का रहने वाला था सचिन। कादरगंज गंगा घाट का पूरा मामला है। शेर सिंह सोलंकी है भैया। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम धनाकर है। अच्छा, जो गंगा में लड़का डूबा है क्या है पूरा मामला? अरे भैया हम कलश चलाने आए थे, हमारा चचा का लड़का है सचिन नाम था, गंगा जी नहाते पैर फिसल गया डूब गया भैया। प्रशासन अभी क्या सब लगे हैं, अब जो कुछ भी कर सकते हैं लगे हैं सब भैया। अभी लड़का अब तक मिला है? नहीं, नहीं मिली है भैया। मध्य प्रदेश से खबर जहां गुरु पूर्णिमा पर जिले भर में धूम रही। चंद्रपुरा गांव में राधा वल्लभिया संप्रदाय के लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। सभी ने रसी खूब झूमे नाचे। गुरु आचार्य ललिता चरण गोस्वामी की महाआरती कर सभी रसिकों ने गुरु पूजन किया व आयोजन समिति ने सभी रसिकों के लिए महाप्रसादी का भी आयोजन रखा। बाराकी चीपा बड़ोद से खबर जहां अकलेरा मार्ग पर नमन फिलिंग स्टेशन के पास बनी 50 वर्ष से अधिक पुरानी पुलिया जर्जर हालात में है। पुलिया की दोनों साइडें टूट चुकी है। पुलिया के बगल की खाइयां दुर्घटनाओं को न्योता दे रही है। पुलिया के साइड में मिट्टी धंसने पर लोगों द्वारा पत्थर और कांटे डालकर संकेतक बनाया हुआ है। पूर्व में भी इस पुलिया के क्षतिग्रस्त होने पर विभाग द्वारा दो बार लीपापोती कर सही कर दिया, लेकिन मानसून की पहली बारिश में पुलिया फिर से क्षतिग्रस्त हो गई। रोजाना इस मार्ग पर वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों की ओर से अनदेखी की जा रही है। बावड़ोद में नमन पेट्रोल पंप के पास में नेशनल हाईवे पे पुलिया टूटी हुई है, यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और अगले साल भी एक साइड खराब हुई थी जिसको दुरुस्त करवा दिया और दोबारा फिर ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई, जिस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। कभी भी यहाँ पे कोई भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है और प्रशासन को अवगत करा दिया, कोई इसको रिपेयर नहीं करवा रहा है। नेशनल हाईवे है ये, यहाँ पर भारी संख्या में ट्रैफिक निकलता है दिन और रात और कभी भी किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। नागौर से खबर जहां आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नागौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊंटवालिया में विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी ईश्वर राम तांडी के द्वारा विद्यालय के सबसे वरिष्ठ साथी पुस्तकालय अध्यक्ष देवीलाल सहित समस्त गुरुजनों का उपहार भेंट कर सम्मान किया।
विद्यालय के व्याख्याता प्रकाश मेहरा ने जानकारी दी कि तांडी वर्तमान में प्रबंध निदेशक कृष्ण देवी फाउंडेशन ट्रस्ट शाखा ऊंटवालिया सोशल वर्कर कॉन्ट्रैक्टर और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग आदि कार्य कर रहे हैं और सामाजिक सरोकार में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। समय समय पर विद्यालय पधारकर विद्यार्थियों को उपहार देकर उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी